नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आज आपको भैंसों के सरताज से मिलाते हैं। ये कोई आम भैंसा नहीं है, ये भैंसों का शहंशाह है जिसे देखने के लिए लोग मेला लगा कर आ रहे हैं। ये कोई आम भैंसा नहीं है जो खुले खेत में चरता हो, ये तो अपने मालिक के यहाँ काजू किशमिश की दावत उड़ाता है। ये हरियाणा का सरताज है जो अभी हैदराबाद की शान बना हुआ है। किसी भैंसे की कीमत कितनी होगी जरा सोचिए, 25,000, 50,000, लाख या 2 लाख नहीं, इस भैंसे की कीमत करोड़ों में है। कीमत करोड़ों में मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं बल्कि 27 करोड़ है। प्रजनन के लिए मशहूर मुर्रा प्रजाति के इस भैंसे की दुनिया भर में मांग है। सदर फेस्टिवल के लिए ये बुल जो है, इसका नाम सरताज, हरियाणा चैंपियन बुल है। ये सदर फेस्टिवल के लिए हम हरियाणा से स्पेशल अट्रैक्शन लेने के लिए इसको लेके आए। ये बार ये 25 बार चैंपियन मार चुका है हरियाणा में, तो हर साल हम कोई ना कोई बुल को स्पेशल अट्रैक्शन रहने के लिए चैंपियन बुल लेके आते हैं। पिछले साल युवराज लेके आए, शहनशाह लेके आए, फिर दारा, ये बार सरताज बोल के ये प्रेजेंट चैंपियन बुल है हरियाणा में। बहुत सारे इसका प्राइस भी आ चुके हैं, फर्स्ट प्राइज। ये सदर फेस्टिवल के लिए स्पेशल अट्रैक्शन के लिए हम लोग इसको ये बार लेके आए हैं नारायणगढ़। आपको सरताज के रखरखाव से जुड़ी और खास बातें भी बताते हैं। अगर हम 27 करोड़ के इस खास सरताज की बात करें तो उसका वजन करीब 1,600 किलोग्राम है। इस विशालकाय वाले सरताज की ऊंचाई जहां 6.5 फीट है, वहीं 15 फीट लंबा है। हरियाणा के सैनूपुरी से लाए गए करीब 4.5 साल के इस भैंसे के खाने में प्रतिदिन 2,500 से 4,000 रुपए खर्च होते हैं। खाने में प्रतिदिन इसे 15 किलो सेब, 20 किलो दूध, 1 किलो गुड़, 2 किलो तुअर दाल और 2 किलो चना दिया जाता है। इसके अलावा बादाम और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। यही नहीं, इस सरताज का मालिश भी किया जाता है और इसके लिए प्रतिदिन 1.5 किलो तेल का इस्तेमाल होता है और सुबह और शाम इसे नहलाया जाता है। उसकी देखरेख के लिए 2 लोग नियुक्त हैं जो इस सरताज को प्रतिदिन करीब 5 किलोमीटर की वॉकिंग कराते हैं। सरताज के स्पर्म बेचकर लाखों रुपए की कमाई की खबर है। बताया जाता है कि इस विशालकाय भैंस के स्पर्म से पैदा होने वाली नस्लें काफी मजबूत और स्वस्थ होते हैं, इसीलिए लोग अपनी भैंसों को सरताज से क्रॉसिंग कराने के मामले में रुपए की परवाह नहीं करते। तो 27 करोड़ के भैंसे का दीदार करना चाहते हैं तो हैदराबाद चले जाइए।